जनवरी 2023 के मेरी शाम के इस लाइव में सबका स्वागत होता है। और जैसे मैंने आपको ऊपर के आज के लाइव में बताया था कि मैं जब आऊँगा, जब भी कभी लाइव सेशन में, तो मैं आपको बात जो रहेगी वो रहेगी अब चक्रास की, आपकी कुंडली की और इसकी। मगर लगता है कि अगले 3 दिन, आज यानी आज का दिन और कल और परसों 29 और 30, ये 2-3 दिन मैं बहुत कम चीज़ें इस लाइव में, पब्लिक लाइव में आपको हिल दूंगा। और जो कुछ रहेगी बातें थोड़े और अगले लेवल की, वो 30 तारीख के बाद में एक प्राइवेट डेवलपर से, उनको जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो दिल से जुड़े हैं, जो कि ना कि कहीं से भेजे गए हैं यहाँ पे तो टाइम पास के लिए आए हैं, ऐसे लोगों के लिए वो चीज़ लिखी रहेगी। जीवन नमस्कार, अर्पिता सौर जी प्रणाम, नितेश रतानी जी गुड इवनिंग, अविनाश कोवे जी नवी जी। तो जैसे अभी का इस वीडियो का जो टाइटल है, उस चक्रास के पहले मैं आपको थोड़ा सा उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है, जिसके बारे में कोई बात नहीं, किसी को पता ही नहीं था, क्योंकि मैंने कहा नहीं, सारा हिडन है, ये सब वालों ने चार बुझ के रखा हुआ है। जैसे मेरा पंगा था, मुझे भी ऑफर आई थी जब मैं इसके बारे में बताने लग गया 2022 की जनवरी में, जब मैंने ये सब चीज़ें चालू किया आपको बताना। एक्चुअली बात की नवंबर दिसंबर से 2021 से मैंने चालू किया था, 2022 की स्टार्टिंग में मुझे ऑफर आई थी, आप आ जाओ हमारी तरफ ऑफर दे दी थी, व्हाट्सअप आया था, मैंने मेरे दोस्त को भी दिखाया था बात के। और तब से मैंने 2022 से जनवरी से मैंने व्हाट्सअप डिलीट कर दिया है, बहुत परेशान करते थे, ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है। ये क्या है, इन्होंने सिंबल ही लिया है, इन्होंने सिंबल ही ये लिया है। पता है ये सिंबल क्यों है, सबको पता है ये सिंबल है, ये सिंबल क्यों लिया है? ये नहीं वो बताएंगे आपको, आपको हिंट देता हूँ आज पहली बार, क्योंकि मैं अब जा रहा हूँ आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके। यस, इल्यूमिनाटी का इलियट इलियट कॉन्टिनो जी ने लिखा है इल्यूमिनाटी। यस, अब कहीं जाके कोई ये स्क्रीनशॉट ना निकाल ले, डॉक्टर जगदा ने ट्रायंगल दिखाया था, डॉक्टर जगदा ने एक आंख दिखाई थी, कि उन्होंने सिंबल लिया है, कैसे लिया है, मैं इसका आज आपको इसके बारे में स्टार्टिंग बोलता हूँ। क्योंकि ये सारा जो है, ये सब इस थर्ड आई जो है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका सब है। क्योंकि जब आप मेडिटेशन में जाते हो, जब आप मेडिटेशन करते हो खुद का, जब आप खुद को रियलाइज करते हो, खुद को आइडेंटिफाई करते हो कि आप कौन है, आप क्या है, वो कहाँ से आता है वो नॉलेज, वो आता है थर्ड आई से, जहाँ पे दो आंखों के बीच में जहाँ पे बिंदी लगाई जाती है। जब मुस्लिम लोग नमाज रेगुलर पढ़ते हैं तो उनके यहाँ पे काला से थोड़ा सा ब्लैकिशनेस डब्बा दिखाया जाता है, तो वो जो है ना, वो जगह, वो पॉइंट, इवन आप कोई भी जूश लोग लीजिए, वो जब उनके वॉल पे जाके, सेक्रेट वॉल पे जाके जब करते हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे काला सा डब्बा आता है। ये जो है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड का बराबर यहाँ से पियर्स किया जाए, और लेफ्ट साइड से यहाँ से पियर्स किया जाए, वो जगह जहाँ आती है सेंटर पॉइंट, वो पिट्यूटरी ग्लैंड आता है। या फिर आपके जो मुँह है उसका, जो यहाँ से आप डालेंगे पॉइंट, पीछे से अगर आप पॉइंट लेंगे तो वो जहाँ पे जॉइंट होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन होता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो थर्ड आई से, आप भगवान शिव शंकर की थर्ड आई कहते हैं, वो थर्ड आई जो है वो थर्ड आई का ही लोकेशन, यहाँ से आपको आपकी अवेकनिंग एक्चुअल में वहाँ से प्रोजेक्ट होती है। इसका पॉइंट जो है ये है, अगर ये मंदिर है, ये अगर आपका सर जो है, ये अगर आपका सर मंदिर है, तो इसका कोई प्रवेश द्वार तो होगा, इसका कोई एंट्री पॉइंट तो होगा। तो एंट्री पॉइंट
कौन सा होता है, ये एंट्री पॉइंट कहाँ होता है। आपकी जो बॉडी है, ये अगर ये मंदिर है, इस मंदिर में ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो रखी है, ये अगर इस मंदिर का जो सेंटर है, जिसको आप एक तरह से शिवलिंग का पॉइंट भी कह सकते हैं, थोड़ा शिवलिंग, इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपकी ये जो सबसे नीचे वाली हड्डी होती है, जब आप खड़े होते हैं, जब आप खड़े रहते हैं, और ये जो आपका सबसे पिछला जो हिस्सा है, ये वाला, यहाँ पे एक बोन होता है, वहाँ पे एक बोन होता है जिसका नाम होता है सैक्रम। और सैक्रम का जो स्ट्रक्चर है वो उल्टा ट्रायंगल होता है, इस फॉर्म में सैक्रम, समझा। ये जो है ये ट्रायंगल, ये एक्चुअली में आपके बेस पे है, जिस पे आप बैठते हैं। जब आप बैठते हैं तो ऐसा हो जाता है, थोड़ा नीचे फ्लेक्स में ऐसे रहता है वो, इसके ऊपर आपका पूरा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इसके ऊपर सीधा ऐसे रहता है। ये सैक्रम होता है, ऊपर बड़ा और नीचे छोटा होते गया, ट्रायंगल, समझे, ट्रायंगल कैसा है ये। और इसके ऊपर जो है ना, ये इस ट्रायंगल के ऊपर आपकी पूरा का पूरा स्पाइनल कॉर्ड खड़ा रहता है, पूरा का पूरा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड यानी वो आपकी रीढ़ की हड्डियां जो रहती है, इसके अंदर, इन रीढ़ की हड्डियों के अंदर आपकी सारी नर्वस सिस्टम उसमें से जाती है, बोन्स के अंदर से नर्वस सिस्टम के सारे नर्व्स जो है, सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक नर्व्स उसमें से जाते हैं, और ये रहता है खड़ा उस ट्रायंगल के ऊपर। अब ये जो ट्रायंगल है इन्होंने दिखाया हुआ, ये जो ट्रायंगल दिखाया है उन्होंने, इस ट्रायंगल में जो ये आँख है, ये आँख कहाँ है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका एक जो ये इसका जो कनेक्शन जो है यहाँ से निकलता है, या आपका मेडुला जो है ऑक्सीपिटल रीजन में, ये बोन यहाँ से नीचे होते आपके स्पाइनल कॉर्ड से नीचे जाता है और इस सैक्रम में ऊपर वो रहता है। तो ये आय का कनेक्शन कहाँ है, उस सैक्रम में। सिंबल क्यों लिया गया आप समझा, ये अवेकनिंग जो है उसका पॉइंट जो है उस सैक्रम से। जब आप मेडिटेशन में बैठे हो और आप मेडिटेशन करते वक्त जब सांस लेते हैं, जब आप सांस लेते हैं तो ये जो सैक्रम है ये इस तरह से पुश होता है पीछे की साइड में, ये पीछे की साइड में पुश होता है, और इसके इस जो है ब्रेन आपका जो स्कल है इसके अंदर, अगर आप कभी उसका स्कल देखेंगे बोन को उठा के, तो उसके अंदर है ना वो बोन्स एक्चुअली का इंट्रैक्ट इंटरलॉकिंग हुआ रहता है, सूचर्स रहते हैं वो स्कल स्कल के। जब आप इनहेल करते हैं तो सैक्रम भी पीछे की तरफ पुश होता है, और जो सूचर्स रहते हैं वो भी तो पूरे खुलते नहीं है, जस्ट एक्सटेंशन टाइप ऐसे उसका जो है थोड़ा सा ये होता है। तो इस ब्रेन में और उस स्पाइनल कॉर्ड के आजू बाजू में सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड रहता है, CSF कहा जाता है, वो जो ये है सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, वो कंटिन्यू फ्लो होते रहता है, और उसका काम ही न्यूट्रिशन सप्लाई करना उस सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड का, उस इलेक्ट्रॉन उसका नर्व कॉर्ड को जो है उस ब्रेन को न्यूट्रिशंस और वो सप्लाई करना। और जब इस सैक्रम पीछे होता है कल सुपर होते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं आपका सांस बाहर छोड़ते हैं, तो ये जो सैक्रम पीछे गया है वो फिर पुश होता है, स्विच ऑफ पश होते हैं, और ये जो सैरुल फ्लूइड है वो ऊपर की तरफ पुश होता है हल्के से, और ये पूरा सर्कुलेट होने के लिए नीचे से पूरा सर्कुलेट होकर फिर वो
ब्रेन में के वहाँ पे भी एंट्री पॉइंट जो रहता है वहाँ पे भी ट्रायंगल आता है, वहाँ से भी वो एंटर करके फिर आपके ब्रेन में जाके ब्रेन में जो ओपनिंग पॉइंट रहते हैं चार, उसमें से घूम घाम के फिर से रिटर्न जाता है और फिर सैक्रम में आता है। ये सारे प्रोसेस जो होते जब आप सांस लेते छोड़ते सांस भी छोड़ते हैं मेडिटेशन में या फिर नॉर्मल भी आप कर रहे हो तो 12 घंटे लेता है ये सब 12 घंटे का प्रोसेस चलता है। आप तो इन सारी चीज़ों में मैंने आपको बहुत पहले बार कहा था कि आप जब मेडिटेशन में जाते हैं तो आपको लेट इट गो करना है। मैंने मेरे कई पुराने वीडियोज में इस बारे में बात की है, आज फिर से मैं बात आया हूँ मेडिटेशन करने के लिए कि इसके आगे जो बातें रहेगी वो उन चीज़ों को हमने निकाला है, इन चीज़ों से बाहर निकाल के आवेदन किया है। अब इनको जहाँ पर लेके जाने के लिए जो प्रोसेस है वो जो अभ्यास है वो आपको ही करना है, सिर्फ आपके लिए अभ्यास के लिए जो स्टडी का मेटर लगता है कैसे करना है वो अभ्यास मैं आपको सिर्फ बताऊंगा, करना आपको है। तो आप जो मेडिटेशन करेंगे ध्यान रखिए आपको आपके थॉट्स प्रोसेस में जो आपका पुरानी हुई चीज़ें हैं उसे छोड़ देना, जो भी बीता कुछ है जो भी आज में आप तक आपकी उम्र में आपकी उम्र जो भी है 25, 30, 35, 40, 45, 55, 60 जो भी है आज में आप तक आपने जो किया उसको भूल जाइए, क्योंकि पास्ट लाइफ को अगर आप पकड़ के रखेंगे तो आपका जो फ्यूचर आप यहाँ पर प्रेडिक्ट आप जो करना चाहेंगे वो प्रेडिक्टेड रहेगा। एक्सपीरियंस बेसिस के ऊपर प्लेयर जब शॉट खेलता है तो बॉलर को पता रहता है कि कैसे बॉल डालने पे कैसे शॉट खेलेगा, तो इसलिए आपको प्रेडिक्टेड जो आपकी पुरानी लाइफ है उसको छोड़ दीजिए। तो कैसे छोड़ सकते हैं तो मेरे एक्सपेक्ट में कई बार मेरे वीडियोज़ में मैंने जो कोई अगर पेशेंट आता है, अगर साइकेट्रिक का पेशेंट आता है, ब्रीडिंग का, टेंशन का पेशेंट आता है, एंजाइटी का, लाइफ में डिप्रेशन में है अगर आता है तो उसको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ जो मैं आपको भी दूंगा। सर निकले बस सर एक लाइव हूँ, लाइव खत्म होते जाऊँगा, कल आ रहे संडे तो संडे। जिंदगी में टेंशन है किसके नहीं, जगी सर्व सुखी ऐसा को ना है, विचारी मनुष्य शोधू न पाए, दुनिया में कोई नहीं ऐसा जो सर्व सुखी है, हर किसी की दुनिया में कोई ना कोई टेंशन है। तो ये जो टेंशन है ना समझो ये बॉटल है, ये आधी भरी हुई है आधी खाली है, आधी खाली आधी भरी हुई है, सच में बहुत कम है, तो ये आधी भरी हुई है आधी खाली है। तो ये जिंदगी है, ये जिंदगी में आधा जो है वो जो है टेंशन है और आधी जिंदगी बची हुई है जो कि प्रॉब्लम से है, इसकी वजह से आया हुआ प्रॉब्लम से। और ये जो हाथ है मेरा या आपका, आपने इस टेंशन को पकड़ के रखा आपके दिमाग, ऐसे समझिए एग्जाम्पल ये, तो ये टेंशन है इसको पकड़ के रखा है, पकड़ा है मेरे हाथों ने मेरे दिमाग से, अगर इसको मैं ऐसे और पास को पकड़ के रखूँगा तो थोड़ा है। और मैं बोलूँगा नहीं नहीं इसको पकड़ के रख लेना मेरी जीत है मैं नहीं पकड़ूंगा इसको और पकड़ के रखूँगा, आधे घंटे बाद ये दर्द देना स्टार्ट करेगा मेरा हाथ, तो बोलूँगा नहीं नहीं मैं इसको महीना भर पकड़ के रखूँगा, वन मंथ पकड़ के रखूँगा, तो बॉडी यहाँ से दर्द करेगी, नेक से पेन करेगा, बस कर रखते नहीं नहीं मैं इसको पकड़ के रखूँगा, मैं साल भर पकड़ के रखूँगा, साल भर बॉडी क्या बोलती है यार एक काम नहीं कर रहा ये हाथ काम का नहीं रहा ये अपने अपने इससे तो छोड़ दो। तो बॉडी जो है ना आपकी जहाँ से इसका या फिर कहीं से भी इसका ब्लड सर्कुलेशन कट कर डालती है या हाथ जो है ना ये छोटा गिरना स्ट्रंग करना चालू हो जाता है, ये पकड़ के रखा है मेरे हाथ में, बोला गया है दिमाग से, इसका सोल्यूशन क्या है, ये जो मुझे तकलीफ हो रही है इसका सोल्यूशन क्या है, क्या है इसका सोल्यूशन आप बताएंगे, इसका इस प्रॉब्लम का इस टेंशन का सोल्यूशन क्या है, ये पकड़ा ये टेंशन है जिंदगी का। अर्पित जी ने लिखा है इस बॉटल को छोड़ दो, ये बॉटल नहीं है, मैंने क्या कहा ये जिंदगी का टेंशन है जो पकड़ा है हाथ ने और बोला गया है दिमाग ने, तो जवाब आपने बिल्कुल सही दिया, छोड़ दो लेट इट गो, इस जो बॉटल है ये जो टेंशन है इसको आपको छोड़ना पड़ेगा।
दैट इज अ लेट इट गो, क्योंकि वो बात हो चुकी है तुम्हारी जिंदगी में पुरानी, उससे तुम आज बदल नहीं सकते, उस चीज को आपके दिमाग से छोड़ देना पड़ेगा, उसको लेट इट गो करना पड़ेगा। मैंने मेरे कई वीडियोस में इसके पहले भी समझाया था, कुछ लोग नए आए होंगे, मे भी आपने भी पुराने लोग भूल गए होंगे। मेडिटेशन का सबसे पहला नियम है आपके दिमाग में, मैंने कहा हितेश रतन जी जब मेरे बात कर रहा हूँ, अपने अपना नॉलेज अपने पास रखिए, एकदम ब्लैंक पेपर समझ के मेरे सामने बैठिए, क्योंकि आज इसके आगे मैं आपको जो नॉलेज दे रहा हूँ कल से वो आपको नहीं मिलेगा भी, आपको नहीं मिलेगा भी। अपने आइडियाज आज छोड़ दो, यहाँ पे जो बता रहा हूँ उसको एक्सेप्ट कीजिए, वरना आपका नुकसान है। इसके आगे फिर से बोलूँगा नहीं, मैं कमेंट सेक्शन ब्लॉक कर दूंगा। फिर आपको उस नॉलेज को जो है आपका आज तक लिया हुआ उसको बाजू रखिए, जो भी अभी से आपको दे रहा हूँ ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई गुरु नहीं देगा, कोई बाबा नहीं देगा, और कुछ नहीं होगा। तो उस टेंशन को जब आप मेडिटेशन में बैठे हो तो लेट इट गो, वो जो था पुराना थॉट उसको छोड़ दो, क्योंकि ये जो ब्रेन है इसके अंदर ये जो नर्वस सिस्टम जा रही है सैक्रम से ऊपर होके जिस ब्रेन में, तो ये वायरिंग है, इट्स अ हार्ड वायर्स, और ये जाके इस ब्रेन के अंदर ये फंक्शन कर रहा है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटर है, इसकी हार्ड वायरिंग स्पाइनल कॉर्ड से आ रही है, और इस हार्ड वायर से ये जो कंप्यूटर है ये अलग अलग फ्रंट लोब, ऑक्सिपिटल लोब, राइट लोब, लेफ्ट लोब, बीच में हाइपोथैलेमस, थैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड सब आते हैं, और इसका न्यूट्रिशंस जो है वो स्पाइनल क्लॉड जो है वो प्रोटीन्स और सॉल्ट से बना हुआ है। और आप अगर इस प्रोटीन्स को और सॉल्ट्स को अगर डालेंगे सीरम के अंदर तो आपको दिखेगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक ट्रांसफ्यूजन होता है एनर्जी में। तो जब आप उसको इलेक्ट्रिक चार्जेस में डालेंगे और जब आप मेडिटेशन करने बैठेंगे तो उस मेडिटेशन करने की ये जो 12 घंटे लगते हैं ना इस स्पाइनल फ्लूइड को, जितेंद्र कुमार आपने अगला कमेंट किया, यहाँ पे तुम्हारा नॉलेज लेना है तो अपना यूट्यूब चैनल खोलो, वहाँ पे जाके नॉलेज दो, लोगों को यहाँ पे गुमराह मत करो। जो बता रहा हूँ ये फोर्थ डायमेंशन में से फिफ्थ डायमेंशन किसे कैसे देखा जाए, यानी फ्यूचर आपका जो है वो आप कैसे देखोगे, जो अवेकन है, जो मैं से हम बने हैं उनके लिए चल रहा है क्लास नॉलेज देने का काम, आप फ्यूचर देख सकते हैं। सिर्फ इतना है कि मैं से हम बनो और मेडिटेशन की प्रोसेस में आपको समझा रहा हूँ, और ये पूरा का पूरा आगे जाके हिडन चलेगा। और आगे अगर कोई कमेंट करेगा, भले आपने मेंबरशिप ली हो, मैं ख्याल नहीं करूँगा, मैं निकाल दूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे पूरे के पूरे डेडिकेटेड लोग चाहिए, टाइम पास करने वाले मुझे नहीं चाहिए। इसके आगे 5 ही रहेंगे तो भी चलेगा, चैनल नहीं रहा तो भी चलेगा। तो वो जो है ये 12 घंटे की जो प्रोसेस लेता है स्पाइनल कॉर्ड सैक्रम से लेके, वो जो मॉलिक्यूल है, वो जो एक सेलुलर मॉलिक्यूल जो है, क्योंकि उन सेलुलर मॉलिक्यूल से बन बन के फिर एक मसल बनती है, फिर एक फ्लूइड का सेल बनता है, और इन सेल्स को जो प्रोटीन्स जो इसमें है और सॉल्ट जो है ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग रहती है। जब आप मेडिटेशन करके जब वो स्पाइनल फ्लूइड कम्प्लीट आपका पूरा सर्कुलर कम्प्लीट करता है, तब आपकी तो ये पॉजिटिव चार्ज बनता है और सैक्रम नेगेटिव चार्ज बनता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बनता है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड आपके बॉडी में तैयार होती है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, एक मैग्नेटिक फील्ड आपकी बॉडी बनती है, और इस मैग्नेटिक फील्ड से जब वो आपके ब्रेन में वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जब आती है, इट्स एक्ट लाइक अ रिसीवर, या आपका एंटीन जैसे काम करता है, जो कॉस्मिक एनर्जी में जो डिवाइन या फिर कॉस्मिक वर्ल्ड में जो आयाम है, मल्टीपल आयाम्स जो डायमेंशन है, वहाँ से जो भी ब्रॉडकास्टिंग होता है उनका मल्टीवर्स में, 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन, 6 डायमेंशन, 7 डायमेंशन, उसमें जो भी होता है वो आपका ये ब्रेन उस एंटीना से कैच करने का काम करता है, और वो आपके इस मैग्नेटिक में आता है, और यहाँ पे हार्ट में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है ये इसको ब्लड उसको पंप आउट करता है, हर सेल को वो आया हुआ पॉजिटिव चार्ज आपके बॉडी में फैलाता है,
और आपके बॉडी में एक ऑरा तैयार होता है जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है आपकी बॉडी की। और ये मैग्नेटिक फील्ड जब आप किसी के साथ इंटरेक्ट होते हैं तो एक्सचेंज होती है, इन्फॉर्मेशन देता है लेता है और मैं से हम बनते हैं, आप कनेक्ट करते हैं। वो आप कनेक्ट करते हैं इस फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन, आपके थर्ड डायमेंशन में जो रियलिटी बाकी लोग हैं उनके साथ आप कनेक्ट होते हो। तो ये प्रोसेस है मैं से हम बनने की। जब आप कनेक्ट करते हो खुद को इस लिविंग नॉन लिविंग थिंग के साथ, इस प्राणी मात्रा के साथ, कुत्ते बिल्ली जानवरों के साथ, इस पेड़ पौधे, इस नेचर के साथ, इस अर्थ के साथ, इस गाया के साथ, ये अटैचमेंट है मैं से हम बनना। और इसकी प्रोसेस होते हैं जब आप मेडिटेशन बैठते हैं, मैं से हम पुरानी चीज़ों को छोड़ के नए चीज़ों को, आपके ब्रेन में साइनैप्स रहते हैं, आपके ब्रेन में साइनैप्स रहते हैं जहाँ से इन्फॉर्मेशन एक दूसरे में ट्रांसफ़र की जाती है। फिर इन्फॉर्मेशन किसी भी लेवल की रही हो, पेन, टच, सेक्स, लस्ट, थर्स्ट, डिजायर, एवर्जन, सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज है, जो देख रहा हो, जो फील कर रहा हो, ये सब कुछ जो है वो साइनैप्स की वजह से ट्रैप होता है। तो एक जगह से ओल्ड साइनैप्स निकाल के नए जगह पे साइनैप्स अटैच करके वहाँ पे न्यू सेल्स को और न्यू जीन्स को, याद है गॉड जीन, एट्थ क्रोमोसोम, उस गॉड जीन को जब आप कनेक्ट करते हो नए सेल्स को, नए स्ट्रक्चर को, नए क्रोमोसोम्स को, तो एक नया नॉलेज, नया इन्फॉर्मेशन, नई पर्सनैलिटी, नई आइडेंटिफिकेशन आपको आती है। और इसके लिए लगती है प्रैक्टिस, डेडिकेशन, डिवोशन, समर्पण। यही मैंने आपको गए 2 साल समझाया। समर्पण दीजिए, उस भगवान को समर्पण दीजिए मेडिटेशन में, वो आपको बिल्कुल देगा उसका रिटर्न। बाकी की बातें फिर करेंगे। प्रैक्टिस में ध्यान रखिए, आपने अब तक जो सीखा है वो पूरा भूल जाइए। आपने किसी और से क्या सीखा है, किस गुरु से क्या सीखा है, किस बाबा से क्या सीखा है, सब भूल जाइए। जो मैं अभी दे रहा हूँ तब तक है यहाँ पे रहेगा नॉलेज। अगर किसी और के साथ में ट्रैप में गए, क्योंकि 30 तारीख के बाद में आप कितना भी ट्राई करके मेरी बात को कितना भी सुनेंगे और आपके दिमाग में नहीं जाए, क्योंकि आप किसी और के ट्रैप में फंसे होंगे। मैं से हम आप कभी नहीं बन पाएंगे, मेरी बात को यकीन मान। आज तक जो भी दिया है मैंने पूरा दिया है। और मैं फिर से कहता हूँ, सब्सक्राइब तो किया है आपने, मगर बाद में जो भी 30 तारीख के बाद में मैं ये सारी बातों का दूंगा वो पब्लिकली नहीं रहेगा, तो सब कुछ जाएगा इन मेंबर्स के लिए। करियर सीन रियली न्यू नॉलेज रिलेटेड सर, मैंने कहा ना इसके आप लोगों को, मैंने कहा मेरे पास 100% नॉलेज, मैंने 50% दिया था। बहुत कुछ रहेगा, बहुत कुछ आपको और बातें, बहुत कुछ सीखना बाकी, बहुत कुछ नॉलेज मिला है। थोड़ा सा लेके कुछ लोगों ने अपनी अपनी दुकानें डाल दी, ऐसे नहीं होता है। प्लीज क्वेश्चन के लिए टाइम दीजिए, ठीक है चलेगा, मैं देता हूँ टाइम, ठीक है 10 मिनट देता हूँ, 7:30 हुआ एक्चुअली। विभूति जी पूछिए क्या है सवाल, तो सवाल है तो पूछिए, मैं 10 मिनट देता हूँ। रविंद्र भाई शुभ संध्या का, पूछिए सवाल कुछ होगा तो। 7:30 हो रहे हैं। लीला करण जी नमस्कार, मैं आपको पहले ही कहा है, मैं परसों ही कहा था, कल भी तक कहा था, आदित्य मुखर्जी एक्सप्लेनेशन नहीं, ये ज्ञान है जो एक गुरु अपने शिष्य को दे रहा है। ज्ञान अगर मिल रहा है तो जिससे मिलता है उसको गुरु मानना चाहिए। ये कोई ज्ञान नहीं, ये कोई नॉलेज नहीं है, ये वैल्यूबल इंफॉर्मेशन है जो जिंदगी में कहीं भी किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगी। ये एक्सपीरियंस है, मैंने कहा था वक्त आएगा, वक्त समझाएगा, मैंने वक्त दिया, साल भर देखा मैंने कौन कैपेबल है कौन है। अभी भी आरटीपीसीआर में पढ़े हुए कुणाल पटेल, वो कुछ नहीं, थ्री डायमेंशन है वो, उसमें कुछ नहीं हो सकता सर। मैं और मेडिटेशन करता हूँ,
ना ना लाइफ वक्त टाइम दो बताएंगे। आज एक ही साथ बिना कभी खिचड़ी भुने में डाली, पानी डाला, उसके अंदर मसाले डाले, नमक डाला, चावल डाले, आग पे चढ़ाया भी नहीं अब तक, मेडिटेशन शुरू भी नहीं किया है, अभी तो एंट्री पॉइंट बताया है, उसके भी और कई सारी चीज़ें हैं वो भी नहीं बताएंगे। अभी से खिचड़ी खाना है तो मेडिटेशन यहाँ पे जाके लिए स्टार्ट भी करना है। सर थर्ड आई पे सेंसेशन रहता है, वो रहता है ना, अभी मैं गया नहीं हूँ थर्ड आई पे, अभी तो मैं रूप पे ही हूँ, मैं एंट्री पे ही हूँ, मैं अभी उल्टा ट्रायंगल ही समझा रहा हूँ आपको उसका एंट्री पॉइंट का, आपको तो बाकी की चीज़ें भी नहीं सका है बताइए। वो मैग्नेटिक जो अंदर रहती है बॉडी में, उस बोन्स में, ये बहुत आसान नहीं है जैसे इन्होंने कहा है। सुमन घोष जी लिखा है, सर जी कोशिश तो करूँगा, पता नहीं आप जैसे वो पावर मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम बन पाए, हमें से हम बन पाएंगे और यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर पाएंगे, लेकिन कोशिश जरूर करूँगा। देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको मुझे पाने के लिए 19 साल लगे, उसके बाद में वो चीज़ें होती है, मगर मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि आपको कुछ कैसे करना है। मैंने क्या विभूति जी, मैंने कहा सब भूल जाइए, आप तक आपको जो हो रहा है कुछ हो रहा है सब भूल जाइए, आपको स्टार्टिंग से एक्चुअल में आपको ये कुंडलिनी का जो है मैं आपको बता रहा हूँ, और वो गॉड का सेंसेशन वगैरह वगैरह बहुत दूर की बातें हैं, वो डायमेंशन रहते हैं, पोर्टल्स रहते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। सेंसेशन शुरू हो जाता है, कोशिश करते हैं क्या अब मुसड़ी काम करेगी, जितना लेट लिया होगा टीका तो काम करेगी, जितना जल्दी लिया होगा टीका उतना काम नहीं करेगी, सीधी बात है। तो दोस्तों हो गया सबके सवाल खत्म, और कीजिए मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि ये प्रोसेस है आपकी, अभी आप करेंगे इसको मैं से हम बने की बहुत लंबी प्रोसेस रहती है, इसको और कैसे पुश किया जाए और कैसे करना है इसके बारे में डिटेल में 30 तारीख के बाद में थोड़े थोड़े सेशंस में बताऊंगा, रोज नहीं बताऊंगा। जो जागेगा बाय अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, वो ट्रैवल करेगा, जो जागा था फिजिकली वही बचेगा। जय हिंद। Yeah.